हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये डिज़ाइन। ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगा हमारा। ये जैसे पिन बिल है, ये हमारा एक कलर का बना है। जैसे कलर लगे हैं उसी तरह हमारा ये पूरा बेडशीट पे पिन बिल का डिज़ाइन बन जाएगा। इस डिज़ाइन से आप कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए कपड़े की मैंने कटिंग कर ली है। कपड़ा यहाँ पर मैंने कॉटन का लिया है, बाकी आप अपनी मर्जी से कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। किसी भी कपड़े के ऊपर हमारा ये डिज़ाइन बन जाता है। सबसे पहले ये मल्टी कलर के चार पीसेस लिए हैं मैंने, सेम साइज के हैं चारों पीसेस। तो एक पीस है जैसे ये, यहाँ से 2.5 है और यहाँ से भी 2.5 इंचेस के चार पीसेस हैं। ये वाइट कलर के 8 पीस हैं और मेजरमेंट में है 4.5 इंच यहाँ से और इस साइड से 2.5 इंचेस है। चार पीस हैं सेम साइज के, 2.5 इंच यहाँ से भी 2.5 इंच, 2.5 बाई 2.5 इंच के चार पीसेस हैं। एक ही कलर के हैं चारों पीसेस। तो ये चार पीस हैं, ये चार पीस इसके साथ लगेंगे और ये चार पीस इसके साथ लगेंगे। तो सबसे पहले हमें ये रेडी करने हैं। तो एक पीस मैं लूंगी इस तरह से, ये पीस है ऐसे लेना है, ये सीधी साइड ऐसे रखी है। इस पीस को हमें यहाँ पर रख देना है, बाकी के भी इसी तरह रख देंगे। स्केल लेनी है और ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, यहाँ तक हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग जैसे हुई है बाकी के पीसेस पे इसी तरह मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग एकदम बराबर होनी चाहिए, जैसे मार्किंग की है उसी तरह सिलाई लगा देनी है। सारे पीसेस सिल दिए हैं, अब इन पीसेस को अलग कर लेंगे। तो एक ही सिलाई में हमें सभी पीसेस को इस तरह सिल देना है। तो सिल दिए हैं, अब जितना हम सिलाई के लिए कपड़ा रखते हैं उतना रखने के बाद यहाँ से कटिंग कर देंगे। अगर चाहें तो इस तरह भी हम रख सकते हैं, कटिंग ना करना चाहें तो यहाँ से इस तरह डबल भी हो जाता है तो अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर कटिंग भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। सारे पीस कट कर लेने हैं, यहाँ पर प्रेस कर देनी है, जहाँ हाथ से ही हमें इस तरह से इसे दबा देना है। यहाँ पर मैंने प्रेस कर दी है। अब प्रेस करने के बाद थोड़ा थोड़ा कपड़ा अगर आगे पीछे हो गया है, ऐसे तो बराबर ही रहता है, अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो उसे हमें कट करके बराबर कर लेना है, यहाँ से भी और इस साइड से भी। ये चार पीस बन के रेडी हो गए हैं। अब ये दूसरे चार पीस रेडी करने हैं। ये चारों व्हाइट कलर के इस तरह से लगा देंगे। अब ये मल्टी कलर के आएंगे, सेम प्रोसीजर है जैसे हमने पहले कट किए हैं उसी तरह इनको ऐसे लगा देना है। अब यहाँ से मार्किंग कर लेनी है, यहाँ से ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, यहाँ से लाइन लगा देंगे। जैसे मार्किंग की है उसी तरह सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा दी है, इसके बाद जितना हम सिलाई के लिए कपड़ा रखते हैं उतना रखने के बाद यहाँ से कटिंग कर देनी है। सारे पीस इसी तरह कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये कपड़ा इस तरह से करना है और यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। सारे पीस रेडी करेंगे प्रेस करके। चार पीस ये बन गए हैं, चार पीस ये बन गए हैं। अब इन पीसेस को हमें अरेंज करना है। एक पीस हमें ये लेना है, ये पीस ऐसे ले लेंगे और ये दूसरा पीस कोई भी पीस ले सकते हैं। इस पीस को जैसे ये पीस ऐसे रखा है, इस पीस को हमें इस डायरेक्शन में रखना है। दोनों यहाँ पर ऐसे जुड़ेंगे, ये इस तरह से जुड़ गए हैं। बाकी के भी हमें इसी तरह सेट कर लेने हैं। सारे पीस जोड़ दिए हैं, एक पीस ये लिया है, एक दूसरा लिया है हमने। तो यहाँ पर इनको सिलना है। अब इस तरह रखेंगे ऐसे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, बाकी पीस भी इसी तरह सिलेंगे। सारे पीसेस सिल दिए हैं, अब यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। इस तरह से हमें पहले प्रेस करनी है, इसके बाद इस कपड़े को ऐसे टर्न करना है और यहाँ पर ऐसे प्रेस कर लेंगे। सारे पीसेस इसी तरह प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद देखिए ये पीस हमारा इस तरह से जुड़ना चाहिए, ये यहाँ पर ऐसे दोनों को इस तरह मिलना चाहिए, तभी डिज़ाइन हमारा परफेक्ट आएगा कॉर्नर से कॉर्नर। अब ये पीस बन गया है, यहाँ पर हमें स्केल लगा के देख लेना है। अगर थोड़ा थोड़ा कपड़ा ऐसे आगे पीछे है तो उसे हमें इस तरह निशान लगा के कट कर लेना है चारों ओर से। थोड़ा थोड़ा भी है तो इसे हमें कट कर लेना है, क्योंकि अगला जब हम दोबारा इनको जोड़ेंगे तो एकदम अच्छी फिनिशिंग आएगी हमारी। इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा ही है, ऐसे कट कर लेना है। सारे पीस इसी तरह रेडी करेंगे। सारे पीसेस रेडी हो गए हैं,
अब इस पीस को हमें इस तरह देख लेना है, रख के एक पीस जितना है उसी के बराबर हमारे सारे पीसीज होने चाहिए। इस तरह देख लेंगे, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो सारे पीसीज को कट करके बराबर कर लेना है। सारे पीसीज रेडी हो गए हैं, अब इनको हम ज्वाइन करें। अब ये पीस है इसे हमें इस तरह लगाना है, ये ब्लैक हमारा यहाँ पर आना चाहिए, और दूसरा पीस जब ज्वाइन करेंगे तब भी हमारा ब्लैक के साथ ये इस तरह आना चाहिए। इसके बाद ये पीस है तो ब्लैक यहाँ पर आएगा, और ये अगला चौथा पीस है ये हमारा ब्लैक यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर हमारा ये पिन बिल बन जाएगा। इस तरह से पीस लग गए हैं, अब इनको सिलना है। ये पीस इसके साथ सिलेंगे और ये पीस इसके साथ सिलेंगे। दोनों पीस सिल दिए हैं, अब यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ से ऐसे कपड़े को टर्न करना है, इस तरह अच्छे से सिलाइयों को बिठाते हुए प्रेस कर लेनी है। ये पीस भी इसी तरह प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अगर थोड़ा थोड़ा कपड़ा भी इधर यहाँ पर है तो उसे हमें कट करके बराबर कर लेना है। अब हम इनको इस तरह से सिलना है। यहाँ पर ये सिलाई है, ये एक तरफ को कर लेंगे और ये वाली एक तरफ को कर लेंगे, और सिलाई को इस तरह बराबर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर ये सिलाई लग गई है, अब यहाँ पर इस तरह से हमें प्रेस करनी है। इसके बाद ये कपड़ा ऐसे टर्न करेंगे तो सिलाई एक तरफ को रहनी चाहिए। इस तरह से हमें अच्छे से यहाँ पर सिलाई कर देनी, यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर देनी है। इसके बाद यहाँ से हमें इस तरह स्केल रखनी है, यहाँ से रखनी है। यहाँ कपड़ा बराबर है वहाँ ऐसे ही रखेंगे, और जो भी हमारा थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है उसे हमें इस तरह से लाइन लगा लेनी है, और यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर देंगे। इससे क्या होगा, जब दूसरा पीस हम जोड़ेंगे सिलाइयों से सिलाइयाँ कॉर्नर से कॉर्नर बराबर आएंगे। चारों ओर से कटिंग कर दी है, ये पीस हमारा बन के रेडी हुआ है 8 इंच, और यहाँ से भी 8 इंच है। अब इसका अगर आपको कुशन कवर बनाना है तो यहाँ पर ये चारों कलर हैं, इनकी हमें एक एक इंच की पट्टी दे देनी है। 1 इंच की ये देंगे, एक जितना बड़ा चाहिए उस हिसाब से आप पट्टी दे दें, 3-3, तो बहुत ही सुंदर ये हमारा एक डिज़ाइन बन जाएगा कुशन कवर का। अब बनने के बाद देखिए ये कॉर्नर हमारे एकदम बराबर बैठे हैं। ये तभी बराबर बैठेंगे जब हम मार्किंग करते हैं, वो बराबर होनी चाहिए, कटिंग बराबर होनी चाहिए, और ये जो सिलाइयाँ लगाई हैं ये भी हमारी एकदम बराबर आनी चाहिए, तभी हमारा इस तरह से कॉर्नर बराबर आएंगे। अगर बेडशीट बनानी है या कुछ और बनाना है इसका, तो इस तरह के हमें बहुत सारे ब्लॉक्स बना लेने हैं और आगे आगे ज्वाइन करते जाना है। बहुत ही प्यारी एक हमारी बेडशीट बन के रेडी हो जाएगी। डिज़ाइन हमारा कैसे बनेगा, जैसे ये हमारा पिन व्हील बना है, अब अगला ब्लॉक जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये चार जुड़ेंगे, जब यहाँ पर पिन व्हील बनेगा इस कलर का, और यहाँ पर इस कलर का, यहाँ पर अलग अलग कलर का बनता जाएगा पूरी बेडशीट में। इस तरह से आप देख रहे होंगे डिज़ाइन इस तरह से बनता जाएगा। फ्रेंड्स ये डिज़ाइन बनाना सबसे आसान है, कोई भी इस डिज़ाइन को बना सकता है। डिज़ाइन बन गया है, डिज़ाइन आपको कैसा लगा, डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह की नई वीडियो के साथ।